तमिल फिल्म का एक्टर साथियों सहित गिरफ्तार, ठग ठग गिरोह के लिए काम करता था आरोपी, चोरी का लैपटॉप बरामद। द्वारका जिला पुलिस ने ठग ठग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तमिल फिल्मों के एक जूनियर एक्टर को गिरफ्तार किया है। उसके साथ उसके तीन और साथी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से चार लैपटॉप बैग तथा चोरी हुआ लैपटॉप भी बरामद किया है। इनकी चोरी के चार मामलों में गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों की पहचान दीना थियालोन निवासी त्रिचापल्ली राजू करूपा और मूर्ति के रूप में हुई है। दीना थियालोन तमिल फिल्मों में एक जूनियर कलाकार के रूप में काम करता था। द्वारका जिले के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि पुलिस टीम को तमिलनाडु राज्य के ठग ठग गिरोह के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जो द्वारका और आसपास के जिले में सक्रिय हैं और वह हाथ में गुलेल लेकर वाहनों के शीशे तोड़ते हैं। वर्तमान में वह शकरपुर इलाके में रह रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शकरपुर में जाल बिछाया और छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उनकी पहचान दीना थियालोन निवासी शकरपुर, राजू करूपा और मूर्ति के रूप में हुई। ये चारों मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पुलिस को इनके पास से चोरी के चार लैपटॉप बैग सहित लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अलग अलग जगह पर वाहन के शीशे तोड़कर तमिलनाडु में बेचने के लिए लैपटॉप बैग चुरा लिया। इसके अलावा उन्होंने चोरी के कई मामलों में अपनी संलिप्तता के बारे में भी खुलासा किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ठग ठग गिरोह के सदस्य तमिल फिल्मों में भी काम कर चुका था, लेकिन जब उसे फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो वह ठग ठग गैंग में शामिल हो गया और वारदातें करने लगा। जब पुलिस ने उसके साथियों समेत पकड़ा तब यह मामला खुला और फिल्मों का एक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।